मामला भिंड जिले की सेठी कोतवाली के अंतर्गत नवादा का है, जहां एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवादा में इतनी जीर्सी लाइट हैं, इतने नीचे तार हैं, इसके काफ़ी आवेदन दे चुके हैं, ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी कभी कोई सुनता नहीं है, मोबाइल नहीं उठाते, फ़ोन नहीं करते। अभी ये गाय मरी थी तब खबर की, तब किसी ने उठाया। आते दिन घटना ही घटना घट रही है और कोई बिजली विभाग के अधिकारियों पर जू नहीं रेंग रही। नवादा में हाई टेंशन लाइन जो कि तुलनात्मक रूप से जरूर थोड़ी नीचे थी, तो एक लगभग 17 साल का बच्चा जा रहा था, उसमें टच होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के संबंध में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और SDM साहब को सूचना दी गई थी, तो उनके द्वारा तहसीलदार मैडम को यहाँ पे भेजा गया था और बिजली विभाग के कर्मचारी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पर मौके पर आए हुए थे, उनके द्वारा इसके संबंध में जाँच कर कार्रवाई के आश्वासन दिए गए।